और आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। क्यों? आप सवाल करेंगे क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए, ये नहीं हो सकता। गुनाहगार हूँ बीजेपी का, मैं गुनाहगार हूँ कांग्रेस का, मैं गुनाहगार हूँ सबका। बहुत अच्छा है ना, विलेन मैं ही हूँ, बाकी सब सुपरस्टार है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परवाह नहीं है। आज इस वीडियो में बात AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की करेंगे और उनके कुछ ऐसे वीडियोस देखेंगे जिनमें उन्होंने भाजपा नेता या मीडिया पत्रकारों के सवालों का मुंहतोड़ जवाब दिया। वैक्सीनेशन के मुद्दे पर आज तक पर डिबेट हुई। इस डिबेट में शाहनवाज हुसैन ने असदुद्दीन ओवैसी से सवाल करने पर उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी, जिस पर ओवैसी ने भी करारा जवाब दिया। और आज सरकार कोशिश कर रही है, तो आप तो पढ़े लिखे दानिश्वर आदमी हैं, बैरिस्टर हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं है कि आप वही भाषा बोले जो राहुल गांधी बोले और कांग्रेस की बी टीम की तरह आप इस तरह की जबान बोले। शाहनवाज हुसैन साहब, मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम से बेहतर बोलता हूँ, राहुल गांधी से, जितों का नाम लिया आप। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि आपने जनवरी से वैक्सीनेशन को शुरू किया और आप झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, आप लोगों की पूरी पार्टी झूठ पर मुबन्नी है। आपने अब तक भारत की जनता को 15 करोड़ 23 लाख लोगों को पहला डोज लगा है और सिर्फ 4 करोड़ लोगों को 2 डोज लगे हैं। आपको जुलाई में 30 करोड़ देना है, कहां से लाएंगे? क्या मोदी जी मैजिशियन है, आम फाट करेंगे ला लेंगे? और आप झूठ इसलिए बोल रहे हैं कि आप मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को इस महीने में एफिडेविट लिख कर दिया कि जनवरी तक हम 75 करोड़ वैक्सीन प्रोक्योर करेंगे। एबीपी पर एक डिबेट में एंकर ने भाजपा नेता द्वारा निकाली गई स्कीम्स पर ओवैसी से सवाल किया। जब ओवैसी जवाब देने लगे तो एंकर बार बार बोलती रही, जिसके बाद ओवैसी ने उन्हें भाजपा का समर्थक बता दिया। मुसलमान डरता नहीं है, मुसलमान किसी रहमो करम पर नहीं है, मुसलमान खुद मुख्तार होना चाहता है, खुद मुख्तार बहुत हद तक है, तो फिर आप क्यों डराते हैं मुसलमानों को? फिर क्यों वोट बैंक की तरह ट्रीट करते हैं? कौन सा वोट बैंक? आगे बढ़ाइए ना। वोट बैंक कौन सा? वोट बैंक कहाँ का? वोट बैंक कहाँ का? वोट बैंक कौन सा? वोट बैंक किसका? वोट बैंक पूरे हिंदुस्तान में 14% मुसलमान और सिर्फ 25 जीत के आते हैं। कौन सा वोट बैंक? वोट इस मुल्क में वोट बैंक हिंदू वोट बैंक है, आपको गलत फहमी है। कहाँ है, कहाँ वोट बैंक, कहाँ बताइए? कौन सा वोट बैंक? स्पेशल स्कॉलरशिप का आयोजन किया है, स्कॉलरशिप देगी किसको? 5 करोड़ मुस्लिम स्टूडेंट्स को। स्कॉलरशिप प्री मैट्रिक होगी, पोस्ट मैट्रिक होगी, प्रोफेशनल होगी, टेक्निकल कोर्सेज और स्टडीज के लिए होगी। इसके लिए असद ओवैसी का एक बयान तक नहीं आया। असद ओवैसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। मैडम आप लेक्चर नहीं देंगे मुझे, आप सवाल करेंगे क्यों? आप या तो मोदी के प्रवक्ता बन जाइए। ये नहीं हो सकता। आपको सुनना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा, आप जवाब सुनेंगे। आज तक पर वैक्सीनेशन के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने ओवैसी से चुनाव के मुद्दे पर सवाल करना शुरू किया। ओवैसी ने एंकर के सभी सवालों का करारा जवाब दिया। मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, एक सेकंड सर, मैं टोक रही हूँ आज, एक सवाल है। क्या आप बंगाल के चुनाव में प्रचार के लिए नहीं गए? मैडम क्या क्या आपने बंगाल के चुनाव मेरा इंटरव्यू नहीं लिया होटल में? बिल्कुल वही तो मैं बता रही हूँ। क्यों लिया इंटरव्यू मेरा फिर बुलाकर आपने? आपने कहा क्योंकि हम इलेक्शन कवर कर रहे थे, हम तो पारदर्शिता से बता रहे हैं। लेकिन अगर सिर्फ बीजेपी को टोका जाए कि सिर्फ यही चुनाव प्रचार कर रहे थे तो ये भी गलत है ना। चाहे वो तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे वो AIMIM हो, या इन तमाम मुख्यमंत्रियों को भी उनके आरोपों को आज आप डिफेंड कर रहे हैं, दोनों पर जवाब दीजिएगा। मैडम मैं आपको, आप मेरे सामने मुझे बिठाकर सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री सेकेंड वेव उनको आने वाला था नहीं मालूम था? क्या उन्हीं की कोविड कमेटी के एक्सपर्ट्स उनको नहीं कहा? क्यों नहीं प्रधानमंत्री ने उनकी बात सुनी? 35,000 करोड़ बजट में रखे गए, मोदी सरकार का एक पैसा खर्चा नहीं हुआ। 35,000 करोड़ वो स्टेट्स का ग्रांट था, ये सरकार एक पैसा नहीं खर्चा कर रही और झूठ बोल रही है देश से कि हमने किया। इंडिया टीवी की डिबेट में संबित पात्रा और ओवैसी आमने सामने आए। इस डिबेट में कई मुद्दों पर चर्चा देखने को मिली, जिसमें ओवैसी ने संबित पात्रा के सवालों का मुंहतोड़ जवाब भी दिया। क्या धमकी है कि 100 करोड़ हिंदू सेक्युलर हैं? नहीं सर, अगर आप कम्युनल होना चाह रहे तो प्लीज हो जाइए। हम हो ही नहीं सकते। आप हो जाइए ना, क्यों नहीं हो सकते? आप हो जाइए ना। मैं जब ये बोल रहे थे, मैं समझ से आपकी बात सुन। बोलिए आप हो जाइए, कम्युनल हो जाता ना क्या? अरे आप थोड़ा पानी पिया करिए। जो आस्था का राम से बढ़कर राजेश भाई का उत्तर उत्तर देता हूँ। आस्था का वास है, इसलिए आइए आप भी राम शरणम शरणम गच्छामी हो जाइए, ठीक हो जाएगा। आप यही मन से घोषित करिए। इन्हीं बातों को सुनकर अंबेडकर ने हिंदुइज्म को छोड़ दिया ना, और कहा था अंबेडकर छोड़ दिया हिंदुइज्म को, छोड़ दिया इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपकी आस्था सब पर मुसलत कर दी जाए
और देखिए मैं आप कह रहा हूं आस्था मेरी भी है इस्लाम में, आपकी हिंदुइज्म में है, मगर कंट्री नहीं चला सकते आप आस्था की बुनियाद पर। कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत नहीं देता। गुनाहगार हूं बीजेपी का, मैं गुनाहगार हूं कांग्रेस का, मैं गुनाहगार हूं सबका। बहुत अच्छा है, मैं विलेन मई हूं, बाकी के सब सुपरस्टार हैं, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई परवाह नहीं है। हम यही उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अवैसी जनता के मुद्दों को सरकार के सामने रखते रहें और उनसे सवाल करते रहें। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।